वीटा ऐप में प्रोफेशनल एडिटिंग कैसे करें, वीटा ऐप में वीडियोस कैसे लाएं, वीडियोस में कट्स कैसे लगाएं, और आपको पता है यार वीडियोस में म्यूजिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियोस में म्यूजिक कैसे लगाएं, साथ ही साथ वीडियोस में ट्रांजेक्शन कैसे लगाएं, सर्कल के अंदर वीडियो, वीडियोस में इफेक्ट कैसे लगाएं, टेक्स्ट कैसे लिखें, और साथ ही साथ उसमें कैप्शंस और सबटाइटल्स कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो हम बोल रहे हैं अगर वो सबटाइटल्स आपके सामने लिखा हुआ है तो कितना ज्यादा मजेदार होता है, ग्रीन स्क्रीन कैसे हटाएं, स्लो मोशन वीडियोस कैसे बनाएं, और साथ ही साथ सब कुछ रेडी करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करके गैलरी में कैसे सेव करें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मेरी 10 से 15 दिन की मेहनत लगी। पहले तो मैं इस वीडियो को पेड रखने वाला था, लेकिन मैंने इसको पेड क्यों नहीं रखा, क्योंकि यार मुझे पता है शुरुआती के दिनों में यूट्यूबर्स को कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, एडिटिंग के लिए कितना ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है। अगर वो यूट्यूब पर आकर सर्च करेंगे भाई एडिटिंग कैसे सीखे, तो सब लोग अपना पेड कोर्स लाकर खड़ा कर देते हैं, मुझे पैसा दो फिर मेरा पेड कोर्स लो फिर उसके बाद एडिटिंग सीखो, और वो भी पता नहीं रहता है अगर आप पैसा देकर उसको बाय भी कर लिए तो फिर उसके बाद उसमें अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि नहीं सिखाया जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। और जब मैं भी पर्सनली जब YouTube पे नया क्रिएटर था, मैं जब YouTube पे आया था, उस समय जब मैं एडिटिंग के लिए YouTube पे जाता था तो लोग अपना पेड कोर्स सामने लेकर आ जाते थे, और ये सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था यार। शुरुआती के टाइम जब मेरे भी सामने लोग अपना पेड कोर्स लेकर आ जाते थे ना, तो उस समय मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि यार उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं किसी कोर्स को बाय करूं। यार एक बार हुआ क्या, मेरे मन में बहुत सारे डाउट चल रहे थे, मैं सोचा यार पेड कोर्स में लोग क्या अच्छे अच्छे चीज सिखाते होंगे, उसमें अच्छे अच्छे इफेक्ट्स बताते होंगे, तो मैंने सोचा अगर मैं कहीं ना कहीं से पेड कोर्स अगर ले लूंगा तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आ जाएंगे। और मुझे पता है मैं उसमें पैसा उतना मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि वो 999 मतलब 1000 रुपये का था, मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मैं सोचा अगर मैं उसको ले लूंगा तो मुझे अच्छे तरीके से एडिटिंग आ जाएगी, मैं अच्छे तरीके से वीडियो एडिट कर लूंगा। ये सब मैंने किसी प्रकार से पैसे का जुगाड़ करके उसका जो कोर्स है वो 1000 रुपये मैंने ले लिया। अब लेने के बाद यार उसमें कोई भी अच्छे तरीके से एडिटिंग सिखाया नहीं था, जो कि देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसीलिए मैं आज एक ऐसा कदम उठाया हूँ जो हर एक पेड कोर्स लोग हर जगह पेड कोर्स ला के अपना खड़ा करते हैं, उन सभी का धंधा मैं बंद करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको हर एक इफेक्ट्स यहाँ पे आपको फ्री में देने वाला हूँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको जो भी समझ में नहीं आएगा आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई चार्ज हर एक चीज़ मेरा यहाँ पे फ्री ही रहेगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग एडिटिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों जस्ट बगल में आप लोग देख सकते हैं मेरी इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन है। सबसे पहला काम वीटा को आप लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, तो अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप जाइए प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए वीटा एप्लीकेशन, अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर में जाके वीटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम वीटा को ओपन करने के बाद आप वीटा के अंदर वीडियोस कैसे लाएंगे, तो वीटा के अंदर वीडियोस लाने के लिए दोस्तों यहाँ पे जस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा एक ऑप्शन यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का, ठीक है, जस्ट आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली से टैप कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, उसके बाद आपके जो मोबाइल में जितने वीडियोस रहेंगे वो वीडियोस आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो सामने वीडियोस रहेंगे वो सामने से ले सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए अगर आपके पास कोई पहले का वीडियो है तो आप यहाँ पे आल पे आएंगे, ठीक है, आल वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो यहाँ पे आल पे टैप करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रहेंगे। अगर आपने कैमरा से किया तो कैमरा से ले सकते हैं, व्हाट्सअप पे कोई वीडियो भेजा तो व्हाट्सअप पे भी आ सकते हैं, और आपने मतलब जो अगर यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन, आल का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, जस्ट हर एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका जो वीडियो है अगर वो जिस भी एप्लीकेशन से गिर रहेगा उस एप्लीकेशन पर आकर यहाँ से ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे आल पे आकर मेरा तो दोस्तों मैं यहाँ से कोई एक वीडियो ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने एक ब्लॉगिंग किया था, अगर मैं आपको ब्लॉगिंग पे सिखाऊंगा ना तो ब्लॉगिंग में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जिस भी वीडियो को लेना है जस्ट उस वीडियो पे आप क्लिक करना है, अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आगे बढ़ने का, ठीक है, मतलब आगे का जो ऑप्शन है इसी पे आपको सिंपली टैप कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पे टैप करेंगे ना ये जस्ट आपको आगे लेके चला जाएगा, अब यहां से आपके एडिटिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला काम आपको इसमें कट कैसे लगाएंगे, कट का मतलब दोस्तों ये है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप वीडियोस बनाते हैं कोई भी पार्ट उसमें अलग मतलब कोई पार्ट ट्रिम करना हो, या फिर गलती में कोई गलत वर्ड निकल गया उसको आपको ट्रिम करना हो, या फिर रिकॉर्डिंग करते समय कोई अलग पार्ट रिकॉर्ड हो चुका है जिसको आपको निकालना हो उस वीडियो में से, तो वो काम आप कैसे करेंगे। तो जस्ट आपको मान लीजिए दोस्तों ये मान लीजिए मेरा वीडियो है, ठीक है, ये मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए दोस्तों मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों जस्ट मैं जैसे जैसे आगे बढ़ाऊँ यहाँ पे मेरी सेकेंड भी यहाँ पे आगे बढ़ रही है, यहाँ पे 10 सेकेंड तक मैंने आगे इसको बढ़ा दिया, ठीक है, और भी मैं जैसे यहाँ पे इसको और भी आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग यहाँ तक मुझे कट करनी है, ठीक है, तो यहाँ तक कट करने के लिए जस्ट आपको कैसे क्या करना है, अब यहाँ पे जस्ट आपको वीडियो पे टैप कर देना है, अब टैप करने के बाद अब मान लीजिए मुझे इधर का पार्ट यहाँ पे रिमूव करना है,
यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखिए दोस्तों फॉर्म नाउ का ऑप्शन देगा, एक अंटिल नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों पे देखिए दोस्तों इस डॉट डॉट करके ऑप्शन दिया है, तो जिधर का पार्ट आपको रिमूव करना है उधर का पार्ट आपको उधर पे टैप करना। जैसे देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों 25 सेकंड तक यहाँ पे मैंने अपना वीडियो को हटाया है। अब देखिए दोस्तों मेरा इधर भी वीडियोस है, यहाँ पे देखिए दोस्तों इधर भी वीडियोस है। तो मान लीजिए दोस्तों मुझे इधर का पार्ट रिमूव करना है, तो जस्ट मैं इधर वाले फॉर्म नाउ पे टैप करूंगा, इधर का पार्ट मेरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होगा, मतलब अगर आपको ज्यादा सेकंड तक वीडियो रिमूव करना है तब हो गया। अगर आपको नॉर्मली जस्ट यहाँ तक रिमूव करना है तो जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों एक यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पे इसको आप स्लाइड करेंगे तो इस प्रकार से ये कट हो जाएगा। यहाँ तक स्लाइड करेंगे तो यहाँ तक कट जाएगा, अगर और भी आगे स्लाइड करना है तो और भी आगे स्लाइड करेंगे तो ये आगे का भी कट जाएगा। उसी प्रकार से लास्ट में देखिए दोस्तों लास्ट का अगर आपको कोई पार्ट रिमूव करना है तो अगर यहाँ पे देखिए लास्ट का अंटिल नाउ पे भी टैप कर सकते हैं, तो अंटिल नाउ से भी कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये अंटिल नाउ तब वर्क करेगा, मतलब अच्छे तरीके से आप मान लीजिए अगर आपको मान लीजिए 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट का वीडियो अगर आपको मान लीजिए कट करना है तो जस्ट आपको यहाँ पे अंटिल नाउ पे टैप करेंगे तो 1-2 मिनट का आराम से कट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड का वीडियो कट करना है तो जस्ट इसको आप हाथ से ही यहां तक ऐसे स्लाइड कर देंगे वो कट जाएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहां तक दोस्तों आपको कट करना यहां तक आ गया है। तो यहाँ अब हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आप मान लीजिए ये साइड साइड का तो आपने रिमूव कर लिया, लेकिन अगर आपको बीच का कोई पार्ट हटाना है, ठीक है, तो बीच का पार्ट हटाने के लिए आपको कैसे क्या करना होगा। तो फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जस्ट मेरे वीडियो है तो यहीं से मुझे इस बीच के पार्ट को मुझे हटाना है। तो बीच के पार्ट को हटाने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे स्प्लिट का, ठीक है, जस्ट आपको इसी स्प्लिट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल से टैप कर देगा। जैसे दोस्तों आप स्प्लिट पे टैप करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों आप यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये हो गया एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मुझे यहाँ तक अपना ट्रिम करना है, तो यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको स्प्लिट पे टैप कर देना है, ठीक है, जस्ट स्प्लिट पे टैप करेंगे तो अब ये बीच का पार्ट एक अलग सा पार्ट बन गया। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ लिए। अब इस बीच के पार्ट को हटाने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे टैप करने होगा। इसी डिलीट वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद ये बीच का पार्ट यहाँ पे हट चुका है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कट लगाना आ गया होगा, कैसे आप साइड के वीडियोस को रिमूव करेंगे, कैसे आप बीच के किसी पार्ट को रिमूव करेंगे। अब हम बात करते हैं आप अपने वीडियोस में ट्रांजेक्शन्स कैसे लगाएंगे। ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ट्रांजेक्शन्स लगाने के लिए देखिए दोस्तों जैसे मैंने ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जस्ट यहाँ पे जस्ट एक जैसे जहाँ जहाँ पर भी आप कट करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे कट करना है यहाँ पे स्प्लिट पे टैप करें, यहाँ पे एक यहाँ पे ऑप्शन बन गया, मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे बन गया, जस्ट इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन आ गया, नीचे यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन लिखा गया। अब इसमें जो भी इफेक्ट्स लगाना है यहाँ पे देखिए मैं इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पे ये इफेक्ट लगा यहाँ पे, ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से यहाँ पे जाएगा, देख सकते हैं दिल्ली यहाँ पे हम गए, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे मतलब बीच में ये कट मतलब ये ट्रांजेक्शन लग गया। और उसी प्रकार देखिए दोस्तों मान लीजिए साइड में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन लगाना है, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन लगाने के लिए जैसे इस वीडियो पे टैप करना है, ठीक है, वीडियो पे टैप करने के बाद यहाँ पे जैसे स्प्लिट पे टैप करेंगे अब बीच में एक ऑप्शन आ गया जो मैंने आपको शुरुआती में दिखाया था, वो ऑप्शन यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ चुका है। अब इसी वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे हॉट का ऑप्शन दिया है, बेसिक्स का ऑप्शन दिया है, डायनेमिक का ऑप्शन दिया है, स्पेशल इफेक्ट्स का ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो इसमें जो भी इफेक्ट्स लगाना है वहाँ पे आप जैसे उसको टैप करेंगे वो डाउनलोड जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं ये वाला एक इफेक्ट लगा दे रहा हूँ, ठीक है, अब जस्ट इफेक्ट लगाने के बाद दोस्तों ना फिर आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सही का, मतलब राइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट उसी राइट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से टैप कर देना है। अब जैसे राइट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे वो ट्रांजेक्शन मेरी लग गई है। अब मैं एक बार वीडियो को आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे ट्रांजेक्शन यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रांजेक्शन यहाँ पे लग चुका है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आप कहीं पर भी जैसे उस पर कट लगाकर आप ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं। ये तो मैं अपने ब्लॉगिंग पे बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप रील बनाते हैं या फिर कोई मतलब अगर आप शॉर्ट क्रिएटर हैं या फिर मतलब आप ब्लॉगिंग अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन लगाएंगे तो वो अच्छे लगेंगे बहुत, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाया, देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त दिख रहा है। तो इसी प्रकार से आप अपनी वीडियोज पर ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों ट्रांजेक्शन यहाँ तक आपका खत्म हो गया, ट्रांजेक्शन आप कैसे लगाएंगे अच्छी तरीके से आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि आप अपने वीडियोस में म्यूजिक कैसे लगाएंगे, क्योंकि यार पता है आपको म्यूजिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई वीडियोस में नॉइज आ रही है, अगर आप अपने वीडियोस में म्यूजिक लगाएंगे तो आपका वीडियो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो म्यूजिक लगाने के लिए जस्ट आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे ऐड म्यूजिक का, ठीक है, यहाँ पर भी टैप करके आप म्यूजिक लगा सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन मैं और भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा साउंड्स का, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे साउंड्स का, जस्ट आपको साउंड वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों म्यूजिक का ऑप्शन देगा, म्यूजिक पे टैप करना होगा। म्यूजिक पे टैप करने के बाद
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माई म्यूजिक का ऑप्शन देखने के लिए, म्यूजिक का ऑप्शन, इफेक्ट का ऑप्शन देखने के लिए, ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। तो मेरी जो वीडियो है, मेरी जो म्यूजिक है, वो मेरे ड्राइव में, मतलब मेरे फ़ोन में है, तो मैं ड्राइव पे टैप कर दूंगा। अब ड्राइव पे टैप करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक जो जो आपने डाउनलोड करके रखा है, वो म्यूजिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी म्यूजिक, जिस भी म्यूजिक को लेना चाहते हैं, वो म्यूजिक आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मुझे ये वाली म्यूजिक लेनी है, तो मैं इस म्यूजिक पर टैप कर दिया हूँ। अब यहाँ पे बैक कर रहा हूँ, ठीक है। अब बैक करने के बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्लस पे टैप कर दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे टैप करूँगा, ये म्यूजिक यहाँ पे प्रोड्यूस होकर मेरे अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे हो रहा है, प्रोसेसिंग ही हो रही है। अब प्रोसेसिंग होने के बाद ये म्यूजिक यहाँ पे मेरे अंदर आ जाएगी। फिर मैं इस म्यूजिक को एडजस्ट करके सिखाऊंगा कि कैसे आप इस म्यूजिक की वॉइस कम करेंगे, कैसे आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे म्यूजिक यहाँ पे आ चुके। अभी जस्ट मैं एक वीडियो को प्ले करके दिखा रहा हूँ। अभी देखिए दोस्तों, आपको कैसा लगेगा वीडियो, यहाँ पे देखिए। अब मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ म्यूजिक ही सुनाई दे रहा है। तो आपको वीडियो के अकॉर्डिंग, मतलब म्यूजिक को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे इस म्यूजिक पे टैप कर देना। अब म्यूजिक पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वॉल्यूम का। अब जस्ट इसी वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से टैप कर देना। अब वॉल्यूम पे टैप करने के बाद ये 100% है, इसको आपको कम करके यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे 10-12 यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना। अभी भी देखिए दोस्तों, जो मेरी वॉइस है वो पूरी क्लियर नहीं आ रही, इसको और भी कम करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे और भी कम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ दो कर रहा हूँ, यहाँ पे तीन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे राइट पे टैप करेंगे तो यहाँ पे मेरी म्यूजिक जो है अच्छे प्रकार से लग गई है। मैं यहाँ पे आप एक बार प्ले करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब मेरी वीडियोज़ के अकॉर्डिंग जो है म्यूजिक अच्छे प्रकार से सेट हो चुके हैं। इस प्रकार से आप अपने वीडियोस में म्यूजिक लगाएंगे, ठीक है। किस प्रकार से म्यूजिक लगाएंगे, म्यूजिक की वॉइस कैसे सेट करेंगे, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मतलब मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आप वीडियो को प्ले करेंगे, आपकी जो वॉइस है वो आपकी वॉइस निखर क्या है, उसी प्रकार से आपको म्यूजिक को एडजस्ट करना है। मैंने बताया कि किस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है, उसको चेक करना है, ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं कि आप अपने वीडियोस में इफेक्ट्स कैसे लगाएंगे, क्योंकि इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इफेक्ट अच्छे तरीके से लगा दिए तो समझिए आपका वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखने वाला है। तो इफेक्ट लगाने के लिए दोस्तों जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा इफेक्ट्स का। जस्ट आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे सिंपल से टैप कर देना। अब फिर यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे टैप करेंगे ना, यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी ये तो एक का हो गया। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, हॉट का आ गया है, बेसिक्स का आ गया है, फिर यहाँ पे हर्ट का आ गया है, मोशन का ऑप्शन आ गया है, फ्रेम का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फेस इफेक्ट का आ गया, यहाँ पे रेट्रो का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे नेचर का ऑप्शन आ गया है, टेक्सचर का ऑप्शन आ गया है, लाइट का आ गया है। अगर मैं बताने लग जाऊँ ना तो दोस्तों बहुत ज़्यादा, बहुत इतना इफेक्ट है कि मैं बताते बताते यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतने सारे इफेक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, इसमें से आपको जो जो इफेक्ट अच्छा लगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे जैसे अगर मोशन में आएंगे, तो मोशन में यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए मुझे इस वीडियो को घुमराना है, ठीक है, तो जस्ट मैं इस पर टाइप कर दूंगा, यहाँ पे वीडियो मेरा घुमरने लगेगा। मैं देखिए, ठीक है, तो मोशन में ये अच्छी चीज होगा। अब फ्रेम में आ जाएंगे, तो फ्रेम में अगर मान लीजिए मुझे ये चीज़ लगाना है अपनी वीडियो, जैसे कैमरा वगैरह रिकॉर्डिंग होता है, वो चीज़ आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो भी इफेक्ट्स लगा लेंगे, उसके बाद जस्ट यहाँ पे राइट वाले निशान पे टैप करेंगे, वो इफेक्ट्स यहाँ पे लग जाएगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों, अगर आपको और भी इफेक्ट लगाना है तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। मोशन में आएंगे, हर्ट में आएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। और एक ट्रेंडिंग चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लिखे दोस्तों वीडियो के आगे ब्लर इफेक्ट कितना ज़्यादा मज़ेदार लगता है, रील वगैरह आप देखेंगे तो वो चीज़। जस्ट आप हॉट में आएंगे ना, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लर का। अभी मैं इस पर टैप करूँगा, अभी देखिए दोस्तों मेरा वीडियो कितना ज़्यादा जबरदस्त दिखेगा। इसमें मैंने टैप, ये देखिए, इस ब्लर इफेक्ट को आपने रील पे हर एक जगह देखा होगा, और ये इफेक्ट कितना ज़्यादा जबरदस्त दिखता है आप लोग देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपकी वीडियो स्टार्ट होगी, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। जैसे दोस्तों, आप अगर रील पे डांस वगैरह करते हैं, तो अगर आप आगे इस प्रकार से लगा कर या फिर कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं वहाँ पे लगा कर आप इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, तो कितना ज़्यादा जबरदस्त दिखेगा। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने ब्लर जो इफेक्ट हला वो भी बता दिया, और कैसे आप इफेक्ट लगाते हैं। और जैसे आप मान लीजिए अगर कोई भी इफेक्ट मान लीजिए आपका लग गया, उसको डिलीट करना है, ठीक, गलती से लग गया, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको डिलीट करने के लिए जस्ट जिस भी इफेक्ट को डिलीट करना है उस इफेक्ट पर टैप कर देना होगा आपको। टैप करने बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, जस्ट आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, वो इफेक्ट डिलीट हो गया। अब इस भी इफेक्ट को डिलीट करना है, इस भी इफेक्ट पर टैप करना है,
इस पर भी डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर भी इसको भी डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी इफेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको और भी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स चाहिए, मान लीजिए जैसे बहुत रील वगैरह में देखेंगे तो लोग डांस करते हैं तो साइड साइड में एक लाइनिंग करके आती है, ठीक है। उस लाइनिंग को लगाने के लिए दोस्तों ये सब इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे ये दोस्तों मैंने ऐसा मतलब नॉर्मली ये बोल रहा हूँ उसमें ऐसा आ रहा है। अगर आप डांस करेंगे ना तो पूरा आपके पैर से लगाए हर एक चीज़ पे ऐसा इफेक्ट आएगा, तो ये वीडियो आपका कितना ज़्यादा जबरदस्त दिखेगा। तो मान लीजिए अगर कोई भी इफेक्ट आपको पसंद आ गया वो पूरे वीडियो में फैलाना है, तो जस्ट आपको इस इफेक्ट पर टैप करना होगा। फिर यहाँ पर आपको जो ये वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा छोटा सा, इस पर आपको टैप कर देना होगा, ठीक है। इसी पे टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, वीडियो एंड का मतलब ये जो क्लिप है उसको एंड तक रखना है, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिप एंड पे आपको सिंपली से टैप करना है। तो जैसे दोस्तों आप वहाँ पे टैप करेंगे ना तो आपकी वीडियो पूरी की पूरी एंड तक पहुँच जाएगी, मतलब जहाँ तक आपकी वीडियो जाएगी वहाँ तक पूरी की पूरी पहुँच जाएगी। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने वीडियोज को सर्कल के अंदर कैसे लाएंगे। तो ये बताएंगे दोस्तों, मैं आपको किसी इसकी रिकॉर्डिंग भी बताऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो कैसे अंदर लाना है ये तो मैंने आपको शुरुआती में सिखा दिया है। जैसे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करने के बाद जैसे मैं कोई इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे ले ले रहा हूँ, तो मैंने ये इसकी रिकॉर्डिंग लिया है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसकी रिकॉर्डिंग आप ले लिया है, अब मान लीजिए मुझे इसके ऊपर कोई अपना वीडियो सर्कल के अंदर लाना है। इसके लिए दोस्तों आपको जस्ट यहाँ पे पिप का जो है ये ऑप्शन है, पिप वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से टैप करना होगा। जैसे आप पिप वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे ना, जस्ट आप जिस भी वीडियो को लेना चाहते हैं, जिस भी वीडियो को आप सर्कल के अंदर लाना चाहते हैं उस वीडियो को यहाँ से ले लेना। जैसे मुझे ये वीडियो लेना है, जस्ट उस वीडियो पे टैप करेंगे वो वीडियो यहाँ पे अंदर आ जाएगा। अब इसको मुझे सर्कल के अंदर लाना है, तो सर्कल के अंदर लाने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों एक मार्क का ऑप्शन दिया है। अभी देखिए दोस्तों, अभी जस्ट अब ये मार्क का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग करते क्या, ये ऊपर देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग पे टैप करते फिर चेक करते हैं, तो यार आपका वो मार्क ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं वीडियो पे टैप करूंगा ना तो वो मार्क का ऑप्शन तुरंत दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं इसकी रिकॉर्डिंग पे मार्क का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन अब मैं वीडियो पे टैप किया यहाँ पे मार्क का ऑप्शन आ गया। तो ये चीज आपको नोटिस करना है, अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग पे टैप करके करेंगे तो फिर नहीं आएगा, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो आपको वीडियो पे टैप करना है, फिर यहाँ पे आपको मार्क का ऑप्शन दे देगा। अब मार्क पे यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे इसी वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल से टैप करना है। यहाँ पे देखिए राउंड का सर्कल बनाया, जस्ट आपको इसी वाले ऑप्शन पे सिंपल से टैप करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सर्कल बन गया, तो मेरा फेस जो है अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा, जस्ट आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसी वाला जो यहाँ पे जस्ट ग्राउंड का ऑप्शन बना है इसी पे आपको सिंपली से टैप करना है। इस पे टैप करके पहले आपको इस प्रकार से एडजस्ट यहाँ पे कर लेना है, जहां तक आपका जो आप जितने तरीके से आप सर्कल में रखना चाहते हैं, तो मुझे इतना रखना है, तो मैं यहाँ पे रख कर अभी आपको यहाँ पे ऊपर नीचे अभी नहीं करना है, क्योंकि ऊपर नीचे करेगा तो इस प्रकार से ये मतलब फट जाएगा। पहले आपको यहाँ पे नीचे जो राइट का ऑप्शन दिया है, जस्ट इस राइट वाले ऑप्शन पे टैप कर लेंगे, उसके बाद इसको कुछ करना है। मैंने राइट पे टैप किया, अब इसको जहाँ चाहिए वहाँ पे आप रख सकते हैं। आप यहाँ पे छोटा बड़ा जहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रखिए, ऊपर रखना चाहते हैं तो ऊपर रखिए। इस प्रकार से आप अपने वीडियोस को सर्कल में ला सकते हैं। और भी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अगर आप इसमें मोशन वगैरह लगाना चाहते हैं, इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं, हर एक चीज़ है, ठीक है, मैं आपको वही बताऊंगा। अगर मान लीजिए इसको अगर आपको ऑप्टिक करना है, मतलब आपको हल्का दिखाना है, तो जस्ट यहाँ पे एक ऑप्टिक का ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्टिक पे टैप करना है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और तो और यहाँ पे जस्ट मैं आपको और बता दूंगा, यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन दे रहा है, फिल्टर पे टैप करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर आएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने इसको ब्लैक कर दिया है, ये कलर कर दिया है, तो आप मतलब अपने हिसाब से यहाँ पे फिल्टर भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बहुत सारे आप इफेक्ट है, आईफोन वाला इफेक्ट है, और भी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट है जो कि आपको देखकर बहुत ज्यादा मजेदार लगेगा। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मैं तो यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ लेकिन और मतलब यहाँ पे आपको हर एक चीज मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आप देखकर तो जो सीखेंगे लेकिन आप अच्छे तरीके से सब तब सीखेंगे जब तक आप कोई वीडियो उठाएंगे और उसको एडिट करेंगे, तब आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आप अभी जाइए, कोई वीडियो उठाइए और मेरे साथ साथ आप भी एडिटिंग करिए, तो आप अच्छे तरीके से एडिटिंग सीखेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आपको हर एक चीज समझ में आ गया। तो मान लीजिए कोई भी इफेक्ट आपको पसंद आएगा, मान लीजिए मुझे ये इफेक्ट पसंद आ गया, तो नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक राइट का ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट आपको राइट वाले ऑप्शन पे सिंपली स्टेप करना है। जैसे दोस्तों आप राइट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, ये मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे जस्ट अगर आपको कोई पार्ट कट करना है, रिमूव करना है, तो वो चीज मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। कट करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, फॉर्म नाउ, अंटिल नाउ, और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देख लिए होंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे वीडियो प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इस पर क्या बोला, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज हम बताएंगे वीटा हैक का कंप्लीट एडिटिंग कोर्स। अब इस सर्कल में मैं बोल रहा हूँ, नीचे यहाँ पे मेरी इसकी रिकॉर्डिंग है, तो ये कितना ज्यादा जबरदस्त दिख रहा है आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से आप दोस्तों अपने वीडियोस को सर्कल के अंदर ला सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों ने यह भी सीख लिया कि आप किसी भी वीडियो को सर्कल के अंदर कैसे लाएंगे। अब हम बताएंगे कि
किसी भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो को कैसे रिमूव करेंगे। तो दोस्तों किसी भी ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे फिर से न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करने के बाद पहले आपको बैकग्राउंड लेना है, ठीक है, किसी कोई बैकग्राउंड, जिस भी बैकग्राउंड पे आपको लेना होगा, या बैकग्राउंड मतलब किसी इमेज पे हटाना होगा तो इमेज ले लेंगे, वीडियो पे हटाना होगा तो वीडियो ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे इमेज पे आके कोई भी यहाँ पे इमेज पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इमेज पे आ गया, ये वाला जैसे मैं बैकग्राउंड है यहाँ पे, जस्ट ये वाली बैकग्राउंड मैं ले रहा हूँ। लेकिन अगर आपको, अगर यहाँ से आपको बैकग्राउंड आपका नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे एक आपको आल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसी आल वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा, ठीक है। जैसे इस आल वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे तो अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो डाउनलोड में आ जाएगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट मारा होगा तो स्क्रीनशॉट में आ जाएगा, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा यही वाला बैकग्राउंड है तो मैं इस वाले बैकग्राउंड को ले रहा हूँ, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एक आगे जाने का ऑप्शन दे रहा है, इसी आगे वाले जाने वाले ऑप्शन पे मैं सिंपली से टैप कर दे रहा हूँ। अब जैसे मैं इस वाले ऑप्शन पे टैप किया, अब ये बैकग्राउंड मेरा आ चुका है, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड को आप जहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाने के लिए जैसे इस पर टैप करना है, इसको स्लाइड करके यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, जहां तक आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और घटाना चाहते हो तो जैसे इसको स्लाइड करके पीछे ला सकते हैं। तो बढ़ाना और घटाना यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें मुझे किसी ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को उस यहाँ से रिमूव करना है, मैं उस वीडियो को ले रहा हूँ जो जिसमें ग्रीन स्क्रीन है और उसको मैं आपके सामने रिमूव करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जस्ट पिप वाले ऑप्शन पे फिर से टैप करना होगा। पिप वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद जिस भी वीडियो का बैकग्राउंड हटाना होगा उस वीडियो को ले लेना होगा। तो यहाँ पे जो डॉग है ये ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड में, मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अभी लेने के बाद ये देखिए दोस्तों ये डॉग यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसका मुझे हटाना है, इसका जो ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड हटाना है, सिर्फ डॉग को मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मेरा क्रोमा की का, ठीक है। क्रोमा की वाले ऑप्शन पे सिंपली टैप करना है, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों एक स्पीकर का ऑप्शन दिया है। अब इस स्पीकर को आपको डॉग के ऊपर नहीं रखना है, जो ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड उस पर लाना है। अब देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों बैकग्राउंड यहाँ पे हट चुका है। अभी इसके जस्ट अभी जो डॉग है उसके मतलब उसके साइड साइड में ग्रीन ग्रीन करके मतलब आ रहा है, उसको यहाँ पे जस्ट इस पर टैप करके यहाँ से दोस्तों आप इसको बढ़ाएंगे। अब देखिए जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ पूरा हट गया है, अब जैसे मैं पीछे कर रहा हूँ पूरा का पूरा आ जा रहा है। तो आपको पूरा लास्ट तक यहाँ पे एडजस्ट करना, करने के बाद यहाँ पे नीचे जो राइट का ऑप्शन है राइट वाले पर टैप करना है। अभी डॉग यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से इस डॉग को यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉग है ये अच्छे तरीके से पूरा पूरा इसका जो बैकग्राउंड वो कट चुका है। अभी कितना ज्यादा जबरदस्त दिख रहा है। इस प्रकार से आप किसी भी वीडियो का ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड हटा सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ तक दोस्तों आपने 50% प्रोफेशनल एडिटर बन चुके हैं, अगर यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया और यहाँ तक आप एडिटिंग अच्छे तरीके से कर लिए दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक लोगों को प्रॉब्लम देती है, जैसे मैंने ये वाली जो मेरा वीडियो है बहुत सारे लोग क्रोमा की ये इमेज पे टैप करके ऊपर जो इमेज आ रहा है उस इमेज पे टैप करने के बाद यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन ढूंढेंगे, कहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन है, तो यार कहाँ से देखने के लिए मिलेगा। आपको इमेज का तो बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना है, तो आप ये जो डॉग का है डॉग पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है, कि आप इमेज पे टैप करने के बाद क्रोमा की का ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको नहीं देखने मिलेगा। आपको वीडियो पे टैप करना है, वीडियो पे टैप करने के बाद अपने क्रोमा की का ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको तुरंत सामने ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को कैसे हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है। तो अब हम बताएंगे आपको किसी भी वीडियो में सबटाइटल्स, कैप्शंस और सबटाइटल्स कैसे लगाएंगे। तो अब हम बताते हैं कैप्शन और सबटाइटल्स कैसे लगाएंगे। तो कैप्शंस और सबटाइटल्स लगाने के लिए आपको यहाँ पे जस्ट अपने न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। ये सब चीज मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कि कैसे कैसे आपको वीडियोस यहाँ पे वीटा के अंदर लाना है। तो मैं आपको कोई भी वीडियो यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मैंने ये वाली वीडियो लिया है, ठीक है। इस वीडियो में देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, या अभी मैं खड़ा हूँ, अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो जहां तक मैं बोल नहीं रहा हूँ उस पार्ट को मतलब आपको हटा देना होगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया कैसे कैसे हटाना है, वीडियो पे टाइप करना है, यहाँ पे फॉर्म नाउ पे टाइप करेंगे इधर का पार्ट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ये सब मैंने तो आपको अच्छे तरीके से सिखा दिया, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, अपने सबटाइटल्स लगाना है। तो सबटाइटल्स कैसे लगाएंगे, सबटाइटल्स लगाना है। देखिए दोस्तों मैंने दोस्तों आज हम बताएंगे वीटा ऐप का कंप्लीट एडिटिंग कोर्स। मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ आज हम बताएंगे वीटा ऐप का कंप्लीट एडिटिंग कोर्स, ठीक है। वो चीज करने के लिए जस्ट आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिला टेक्स्ट का, जस्ट आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सिंपल से टैप करना। आप टेक्स्ट पे टैप करने के बाद फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन देखा टेक्स्ट वाले आप टैप करना। मैंने बोला है दोस्तों आज हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले मैं इतना लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, दोस्तों आज हम, ठीक है, बताएंगे बताएंगे, ठीक है, बस इतना लिख दें। आप लिखने के बाद यहाँ पे आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात,
यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस फॉन्ट का ऑप्शन देगा, स्टाइल का ऑप्शन देगा, कैप्शन का ऑप्शन देगा, टाइटल का देगा, एनिमेशन का ऑप्शन देगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से फॉन्ट्स भी ले सकते हैं। कोई फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है वो यहाँ से ले लीजिए। और यहाँ पे स्टाइल में आएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे आ गई, ऐसा ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, और भी यहाँ पे मतलब ऐसा भी बना सकते हैं, ग्रीन ब्लैक पे करना है ब्लैक बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इतने में आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप आ जाएंगे कैप्शंस में। कैप्शन में आपको यहाँ पे जस्ट बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन है और यहाँ पे जस्ट बहुत सारे यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने सारे यहाँ पे इफेक्ट है, मल्टीपल इफेक्ट्स है। कोई भी इफेक्ट चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। जस्ट ये भी इफेक्ट देखिए दोस्तों मैं अपने वीडियोस में बहुत बार यूज भी करता हूँ, तो यहाँ से आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे जाइएगा, मैंने पहले ही बोला है यहाँ पे देखने ज्यादा अगर आप अपने मोबाइल पे अभी अभी तुरंत तुरंत एडिटिंग करेंगे तो इससे ज्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो आप हमेशा इसको मतलब ट्राई कीजिए, आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एडिटिंग सीखेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टाइल में कोई भी एक यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे एक फॉन्ट यहाँ पे ले ले रहा हूँ। जैसे दोस्तों मैं अभी ये नॉर्मल सा दिख रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए मुझे इस प्रकार से करना है, जैसे दोस्तों आप बहुत सारे लोग वीडियोस में देखे होंगे कि लोग कैसे 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 एडिटिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल में आपको आना है, मैं आपको फिर से स्टाइल में आने के बाद अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो मैं यहाँ पे रेड वाला ले रहा हूँ, अब रेड वाले पे या फिर टाइटल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। रेड वाले पे आने के बाद यहाँ पे जस्ट आप कोई भी आप ले लीजिएगा। अब ये देखिए दोस्तों मैंने ये बोला था दोस्तों आज हम बताएंगे, ये मैंने बोला था, ठीक है दोस्तों। फिर इसको राइट पे टैप कर लें, अभी देखिए दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। दोस्तों आज हम बताएंगे वीजा है का, ये अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जैसे मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं दोस्तों बोलूँ तो दोस्तों लिख जाए, आज बोलूँ तो आज लिख जाए, बताएंगे बोलूंगा तो बताया लिख जाए। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे एनिमेशन का एक ऑप्शन दे रखा है, एनिमेशन पे टैप करना होगा। आप जस्ट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए, अगर ये इस प्रकार से करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, ऐसे करेंगे तो घूम के आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जस्ट इस प्रकार से करेंगे तो जैसे आप बोलेंगे उस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप इस पे टाइप कर रहा हूँ, राइट पे टाइप कर रहा हूँ, आप जैसे मैं बोलूंगा उस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे दोस्तों आज हम बताएंगे वीजा है, तो मैंने जैसे दोस्तों बोला, आज बोला, हम बताया, सब कुछ यहाँ पे अच्छी तरीके से लेके आ चुका। मैं एक बार आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आज हम बताएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने दोस्तों आज हम बताएंगे यहाँ तक बोल दिया, अब वीटा ऐप का कंप्लीट एडिटिंग, उसके आगे वही काम कर देना आपको, जैसे आपको लिख देना है वीटा ऐप का कंप्लीट एडिटिंग, ये चीज लिख देना है। फिर आप ये इसको उसके आगे यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है, उसके आगे यहाँ पे जस्ट सेट कर देना है, ऐसे सेट कर देना है। तो ये चीज आप उसके आगे सेट करके फिर वही काम करना है, एनिमेशन पे आना है, फिर वही काम जस्ट ये वाला सिलेक्ट कर देना है। अभी देखिए दोस्तों जब मैं आपके सामने इसको बताऊंगा ना तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे मतलब कितना जबरदस्त दिखेगा। मैं आपके सामने देखिए दोस्तों ये किस प्रकार हो रहा है, ये देखिए दोस्तों आज हम बताएंगे वीजा हैक का कंप्लीट एडिटिंग कोर्स, ठीक है। मैंने जो मतलब बाद में कोर्स बोला है तो बाद में भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपका वीडियो जहां तक रहेगा उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारे मतलब फॉन्ट तो मैंने आपको मल्टीपल फॉन्ट बताए हैं, यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है, यहाँ पे जस्ट आपको बहुत सारे फॉन्ट्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, आपको देख लीजिए। यहाँ पे स्टाइल में बहुत सारे यहाँ पे हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। कैप्शन में जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आएंगे आपसे, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे मतलब आप जैसे आप करना चाहते थे वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूट पे आएंगे, फनी में आएंगे, इवेंट्स में आएंगे तो बहुत सारे आपको फॉन्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों कितने सारे फॉन्ट्स यहाँ पे हो सके। तो मतलब आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगा मैंने आपको सिखा दिया, और आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगा, मैंने ये देखिए फॉन्ट ले लिया है, तो अगर आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगेगा वो यहाँ से फॉन्ट लेकर आप अपने वीडियोस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपको वीडियोस में कैप्शंस लगाने आ चुका है, मतलब आप कैसे कैसे सबटाइटल्स लगाएंगे ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने ये भी देख लिया है। तो अब हम बताएंगे किसी वीडियो को स्लो मोशन में कैसे करेंगे। यार स्लो मोशन जब होता है ना तो बहुत ज्यादा जबरदस्त दिखता है, और आप कहीं रनिंग कर रहे हैं या फिर कहीं आप जंप ले रहे हैं वो सब स्लो मोशन में करके अगर आप इंस्टाग्राम पे डालेंगे या फिर यूट्यूब शॉर्ट में डालेंगे या फिर आप कहीं पर भी स्लो मोशन इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे, यार बहुत ज्यादा जबरदस्त दिखता है। तो स्लो मोशन लगाने के लिए आप जस्ट न्यू प्रोजेक्ट पे टाइप करना है, कोई भी वीडियो जिस भी वीडियो को आपको स्लोमो करना है उस वीडियो को यहाँ पे ले लेना होगा। तो मैं यहाँ पे कोई एक वीडियो यहाँ पे ले लें। अब ये वीडियो में देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लड़की यहाँ पे रनिंग करे, तो मैं इस वीडियो को लेना, वीडियो लेने में आपको बताया वीडियो पे टैप करना, यहाँ पे आगे बढ़ने का जो ऑप्शन दिया आगे बढ़ने वाले पे ऑप्शन पे टैप करेंगे वो वीडियो आपके एडिटिंग में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वीडियो को स्लो करना है। तो स्लो करने के लिए दोस्तों आपको कैसे क्या करना होगा अब इसको देखिए, यहाँ पे नीचे देखिए दोस्तों अगर आप एडिट वगैरह करना चाहते हो, एडिट वगैरह कट वगैरह ये सब तो मैंने शुरुआती में आपको सब कुछ बता दिया है। तो मैं अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि स्लो मोशन आप कैसे करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों पहले आपको वीडियो पूरा दिखा रहा हूँ,
फिर इसको स्लो मोशन करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैं वीडियो को यहाँ पर पूरा प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पर लड़की है, ये रनिंग कर रही है, ये बहुत तेज़ी के साथ जा रही है। आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ जा रही है, वो कितना दूर जा रही है। अभी मैं इसको स्लो करके दिखाऊंगा, इसको फास्ट करके दिखाऊंगा, तो आप अच्छे तरीके से देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो को स्लो करने के लिए जस्ट आपको वीडियो पे टैप कर लेना। मैं हमेशा बता रहा हूँ यार, अगर आप वीडियो पे टैप नहीं करेंगे ना तो आपको वो ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। जस्ट आपको वीडियो पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिला स्पीड का। अगर ये देखिए दोस्तों वीडियो पे टैप नहीं है, इसमें वीडियो पे टैप नहीं है, तो आप देखिए दोस्तों स्पीड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देगा। तो वही आप परेशान हो जाएंगे यार कि कहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो आपको जस्ट एक बार वीडियो पे जरूर से टैप कर लूंगा। जैसे दोस्तों आप टैप करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन स्पीड का देखने के लिए मिलेगा, अब जस्ट आपको स्पीड पे टैप कर लेना। स्पीड पे टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टैंडर्ड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टैंडर्ड, इसी वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली टैप कर देना होगा। जस्ट मैं स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पे टैप कर रहा हूँ। अभी देखिए दोस्तों मुझे इसको स्लो दौड़ाना है। स्लो करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जस्ट, यहाँ पे देखिए दोस्तों 0.5x का ऑप्शन जो दिया, इस पर आपको टैप कर देना। इस पर टैप कर देंगे। अब मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए दोस्तों ये लड़की जो दौड़ रही थी कितना फास्ट, वो बहुत ज़्यादा स्लो दौड़ेगी। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो प्ले कर दिया, यहाँ पे कितना ज़्यादा स्लो दौड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आप लोग समझे। अभी एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन आपको एक स्मूथ का ऑप्शन देखने के लिए, कोई भी चीज़ स्लो करने के बाद यहाँ पे स्मूथ पे टैप कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों आप स्मूथ पे टैप करेंगे तो ये बहुत स्मूथली जाएगी। जैसे दोस्तों अगर स्लो हो रहा है तो वो पता नहीं चलेगा कि हाँ इसको कोई स्लोमो किया है, वो एकदम मतलब एक्चुअल लगेगा कि हाँ भाई एक्चुअली ऐसा हो रहा है। तो आपको जस्ट इस पर टैप कर देना। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार वीडियो को देख लीजिए आप फिर से, यहाँ पे देखिए कितना स्मूथली जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से आप स्मूथ पे जरूर टैप कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, स्मूथ पे जरूर टैप कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अब ये कितना ज़्यादा जबरदस्त दिख रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इसको और स्लो करना है तो और भी पीछे करेंगे तो ये और स्लो हो जाएगी, तो और स्लो हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा स्लो जा रही है, ठीक है। देख सकते हैं, ठीक है। तो और स्लो करना चाहते हो और भी स्लो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितना ज़्यादा आपको स्लो चाहिए उतना आप पीछे करके आप स्लो कर सकते हैं। अब बढ़ाने के लिए, जैसे अगर आप घटाने के लिए दोस्तों आप पॉइंट में जा रहे थे, मतलब 0.5 मतलब ये घटाने के लिए, अब बढ़ाने के लिए दोस्तों पॉइंट से आगे जाएंगे। तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2x पे जाएंगे, तो ये दौड़ेगी तेज से। अब देखिए क्या दोस्तों ये कितना तेज से दौड़ेगी, यहाँ पे देखें, ये देखिए कितना तेजी के साथ जा रही है। तो मतलब आप इस प्रकार से ये भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों अगर कहीं, अब मान लीजिए अगर आपको कहीं वीडियो के बीच का पार्ट अगर स्लो करना है, जैसे आप शुरू से लेकर लास्ट तक आपको स्लो नहीं करना है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए मुझे बीच का कोई पार्ट स्लो करना है, तो बीच का पार्ट के लिए दोस्तों मैंने आपको शुरुआती में तो बता ही दिया किस कैसे बीच के पार्ट को हटाना है। जैसे बीच के पार्ट को हटाने के लिए जस्ट यहाँ पे वीडियो पे टाइप करना है, स्प्लिट पे टाइप करना है, मैंने आपको शुरुआती में सब कुछ बताया, स्प्लिट पे टाइप करना है, फिर जहाँ तक आपको स्लो करना है फिर वहाँ तक स्प्लिट पे टाइप करना है। अब मान लीजिए मुझे इस बीच के पार्ट को स्लो करना है, ठीक है। अब इस बीच के पार्ट को लेना है, स्पीड पे टैप करना है, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड पे टैप करना है, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ तक मुझे यहाँ इसमें स्लो करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वीडियो कितना कैसा लगेगा। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ से अब जैसे दौड़ के आएगी, फिर यहाँ से कितना ज़्यादा स्लो जाएगी, ठीक है। अब स्लो जाएगी, फिर स्लो जाते 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 यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे लास्ट में आप फिर तेज से दौड़ेंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ तो दोस्तों आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए कहीं बल स्लो हो जाए, डाउन हो जाए, फिर तेज से दौड़ने लग जाए, इस प्रकार से अगर आपको एडिटिंग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पीड पे टैप करना है। यहाँ पे जो दोस्तों देखिए दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन दिया मैं आपको, चलिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से टैप करना है। इस पर टैप करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि कहाँ पे अप करना है, कहाँ पे डाउन करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों किस प्रकार से, तो आप कोई भी यहाँ पे हीरो का ऑप्शन दिया है तो आप इस पर टैप करेंगे तो ये किस प्रकार से जाएगी, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से होने लग जाए, ठीक है। जैसे मैं इस पर टैप कर दे रहा हूँ, अभी देखिए दोस्तों इस पर किस प्रकार जाएगी, मतलब तेज जाएगी फिर डाउन हो जाएगी, फिर तेज जाएगी फिर डाउन हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कैसे आप अपने वीडियोस को स्लो मूव करेंगे, कहीं बीच के पार्ट को स्लो करना है तो कैसे बीच के पार्ट को स्लो करेंगे, अगर आपको कहीं पर स्लो डाउन स्लो करना है तो वो चीज़ आप कैसे करेंगे, तो आपको स्लो मूव भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक दोस्तों आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि कहीं कहीं देखिए दोस्तों कभी कभी होता है कोई चीज वीडियो में बता रहे हैं उस पार्ट को, कोई पार्ट को आपको ब्लर करना है, तो आप उसको ब्लर कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों बहुत सारे लोग प्रॉब्लम होते हैं कहीं पे जाते हैं कोई भी, या फिर कोई मान लीजिए वो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो में किसी पार्ट को ब्लर करना है, मान लीजिए वो चीज लोगों को नहीं दिखाना, उसके लिए आप वो क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए उनको कुछ भी नहीं करना। जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे जस्ट आपको मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पे एरो लगा के बता रहा हूँ, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से टैप कर, आप अच्छे तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पे
ठीक है, मोसिक, ठीक है, इसी वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से टैप कर देना है। यहाँ पे जैसे दोस्तों मोसिक पे टैप करेंगे ना, इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों एक पिक्सल का ऑप्शन देगा, एक ब्लर का ऑप्शन देगा। और आप पिक्सल में ब्लर करना चाहते हैं, पिक्सल में ब्लर करना है तो पिक्सल पे टैप करेंगे, आप डायरेक्ट किसी चीज को ब्लर करना है तो डायरेक्ट ब्लर पे टैप करेंगे, ठीक है। इस पे टैप करने के बाद जहां पे आपको ब्लर, जहां पे ब्लर करना है, जिस भी पार्ट को ब्लर करना है, जैसे स्कूटी आ रही इसको मुझे ब्लर करना है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा उस स्कूटी पे लगा के, जस्ट यहाँ पे राइट पे टैप करेंगे तो वो पार्ट मेरा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जस्ट अगर आपको इसको वीडियो के लास्ट तक पर ले जाना है तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे क्लिप इंड पे टैप करेंगे तो ये पूरे, मतलब पूरे वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कट वगैरह किया था इसलिए पूरे वीडियो में नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप कट नहीं करेंगे तो पूरे वीडियो में फैल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप जैसे देखिए दोस्तों, ये पूरे वीडियो में यहाँ पे ब्लर हो जाएगा, यहाँ पे वो पार्ट पूरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा स्कूटी ब्रेकर का ब्लर हो चुका है। इस प्रकार से आप किसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट को यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से आप किसी भी इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर जैसे आप कोई टेक वीडियो बना रहे हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, कोई फॉर्म फिलअप के बारे में बता रहे हैं, उस पार्ट को ब्लर करना है, उस पार्ट को इस प्रकार से आप ब्लर भी कर सकते हैं। तो यहां तक दोस्तों आपको ब्लर करना भी अच्छे तरीके से आ चुका होगा। तो दोस्तों और भी एक इंपॉर्टेंट चीज, आप कहीं पर भी स्टिकर कैसे लगाएंगे। स्टिकर का मतलब दोस्तों ये हुआ, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक एरो आ चुका है, अब उस पर दिखा रहा हूँ तो वहां पे एक एरो आ चुका है। जैसे आप कहीं पे कोई वीडियो बना रहे हैं, टेक चीज है, मतलब कोई टेक वीडियो बना रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहे हैं, वहां पे आप एरो से इंडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज है, जैसे मैं यहाँ पे जस्ट आपको बताऊंगा, यहाँ पे जस्ट आपको पिप वाले ऑप्शन पे टैप करना है, जस्ट पिप पे देखिए दोस्तों एरो आ गया, तो वो चीज आप कैसे करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो एक्सपोर्ट पे एरो आ गया, तो ये चीज आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए दोस्तों जस्ट आपको बैक करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक स्टिकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको स्टिकर पे सिंपली से टैप कर देना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टिकर का ऑप्शन दिया है, गिप्स का ऑप्शन दिया है, तो आप अगर गिप्स पे टैप करेंगे तो आप गिप्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो भी चीज चाहिए, अगर आपको फनी टाइप का कोई चीज चाहिए तो जस्ट मैं यहाँ पे फनी टाइप का, यहाँ पे हर्ट वगैरह चाहिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने हर्ट ले लिया है। तो मतलब अगर जिस प्रकार से अपना कुछ भी मतलब वीडियो बना रहे हैं उसमें हर्ट चाहिए तो आप हर्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए कोई भी, अगर आप एरो से इंडिकेट करना चाहते हैं तो बस वही काम करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको सर्च कर देना होगा एरो, मैं यहाँ पे सर्च कर दे रहा हूँ एरो, ठीक है, एरो यहाँ पे सर्च कर दिया। अब एरो सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे एरो हैं, अब मैंने एरो पे टैप कर दिया। अब जिस भी, जहां पर भी आपको इंडिकेट करना है, जिस भी जगह पे मुझे मान लीजिए इस स्कूटी को दिखाया था, इस स्कूटी पे मैंने इंडिकेट कर दिया, तो ये चीज मैंने जैसे मैंने इस वीडियो बताया। लेकिन जैसे आप टेक वीडियो बना रहे हैं या फिर कोई भी वीडियो बना रहे हैं उसमें अगर आपको एरो की जरूरत है तो आप एरो वहां से लगाकर आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो आपको स्टिकर इस प्रकार से लगा सकते हैं, कोई भी स्टिकर लगाना है, अगर स्टिकर लगाना है तो स्टिकर पे आ जाइए, ठीक है। अगर गिप्स लगाना है तो गिप्स पे आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर जैसे अगर आपको यहाँ पे सब्सक्राइब वगैरह का लिखना है तो मैं यहाँ पे सब्सक्राइब पे टाइप कर दूंगा, यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का आ गया है, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्राइब का भी लगा सकते हैं, और भी यहाँ पे जस्ट अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सब्सक्राइब का लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए दोस्तों गिप्स का एक ऑप्शन दिया है, एक स्टिकर का ऑप्शन दिया। गिप्स का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे स्टिकर क्या होगा नॉर्मली यहाँ पे आके आपके सामने बैठ जाएगा, लेकिन गिप्स क्या होगा वो हमेशा वो इस प्रकार चलता रहेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये स्टिकर है, मैं यहाँ पे इसको आगे फैला रहा हूँ, लेकिन जैसे एक ही तरीके से यहाँ पे, अब एक ही तरीके से यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों अब ये स्टिकर एक जगह मतलब बैठा रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर गिप्स का सब्सक्राइबर मतलब लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गिप्स पे आने के बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सब्सक्राइबर यहाँ पे सर्च कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे गिप्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे जैसे मैं लाइक कमेंट शेयर का यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके सामने, लाइक कमेंट शेयर, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से हिल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा वीडियो में आता रहेगा, यहाँ पे देखिए फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। खत्म होने के बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जहां तक आप पूरे वीडियो में लगाना चाहते हैं गिप्स पूरे वीडियो में आएगा और इसी प्रकार जाएगा। तो गिप्स और स्टिकर का मतलब दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा। इस प्रकार दोस्तों आप गिप्स भी लगाएंगे, स्टिकर भी लगाएंगे, अच्छे तरीके से लगा लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहां तक दोस्तों मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में समझाया, कैसे आप अपने वीडियोस को वीटा में लाएंगे, कैसे उसको एडिट करेंगे, कैसे इफेक्ट लगाएंगे, कैसे आप उसमें कट लगाएंगे, हर एक चीज मैंने बताया। तो आशा करते दोस्तों आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मेरा वीडियो यहाँ पे पूरा कंप्लीट का एडिट हो गया, अब इसको एक्सपोर्ट करके गैलरी में कैसे सेव करेंगे। जैसे ये वाली वीडियो है ना, अब इसको मैं एक्सपोर्ट करके गैलरी में सेव करना है। तो दोस्तों वीडियो को अपने एक्सपोर्ट करने के लिए जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1880p, जस्ट मैं इस पे टैप करके आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर आपके वीडियोस में जिस प्रकार से आपकी वीडियो क्वालिटी मतलब जिस प्रकार से उसका क्वालिटी है, अगर आप वो 2K तक क्वालिटी लेती है तो 2K पे एक्सपोर्ट कीजिएगा, 4K तक लेती है तो 4K तक यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
लेकिन आपकी जिस प्रकार से आपकी वीडियो की मतलब क्वांटिटी रहेगी, जिस प्रकार से आपका वीडियो लोड ले सकता है वहीं तक लीजिएगा। तो मेरी वीडियो मेरे जैसे मेरी मोबाइल है, मैं 720 पे आपको करके दिखा रहा हूँ। 720 पे टैप करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट आपको एक्सपोर्ट पे टैप कर देना होगा, ये वीडियो सेव होकर मेरी गैलरी में आ जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त नॉलेज मिला होगा। यार इस वीडियो को बनाने में मेरा 14 से 15 दिनों का मेहनत है, लेकिन आपके एक लाइक और एक शेयर से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कि ये जो लोग अपना भंडा फैला के रखे हैं कि ये मेरा पेड कोर्स ले लो, मेरा पेड कोर्स ले लो, उनका भंडा जो है फूट सके और आप अच्छे तरीके से एडिटिंग कर पाए, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, अगर आप कोई भी एडिटिंग कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आइए मेरे इंस्टाग्राम पे, वहां पे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वीडियो का सलाह कमेंट में जरूर से बताएगा। तो चलिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों।